इथे गांव में पुरान प्राइमरी पाठशाला रहल, गांव भर के लड़िका पढ़े और वही स्कूल में एगो भोनुआ नाम का लड़का भी पढ़त रहल। जेकर इतना पंच लोग होगा सवेरे के टाइम बा या साउंड से जे हमारा आवाज सुनो तो जेकर भोनुआ नाम हो भोनू वो बुरा मत मानी भाई। भोनू नाम पर ही कहानी आधारित है, जेकर नाम भोनू ही गरियाई मत हमके सवेरे के टाइम। भोनू अपने गवा में नवा लिखवलन रहल प्राइमरी पाठशाला पुराना, एक दो तीन चार भी पास कैल, अब पांचवी में हो गई ले ज्यादा सयाना। पूछे कोई कुछ तो कुछ हूँ बतावे, अचेतावन सही है वो उत्तर मुरमाना। एक रोज दर्जा में मास्टर जी पूछले कि हफ्ते में कई रोज बच्चों बताना। बाल सभा होत रहल, वही बाल सभा में मास्टर साहब का सवाल रहल कि बच्चों बताओ एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो लड़का का बतौलन है, इजने के गीत लगल अब भनुआ के ही क्वालिटी रहल, कच्चा पास पाचे ना कैले 18 साल का पाड़ा हो गए। एक पास करे दो तीन चार पांच में जाजत कुछ ऐसा गलती कह दे कि ओकर नाम काट के मास्टर साहब फिर एक में कह दे, गधैया गोल में कह दे, चल 5 साल फिर खेल शायद सुधर जाइबे। तर्ज बड़ी खूबसूरत लगल मास्टर, कौन गीत मास्टर आइए। जौन रोग का दवाई संकेत रहल, कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत रहल कि हमारे को बात याद करबू तो सुखी रहबो जीवन भर। कौन बात लाल? जौन रोग के दवाई अरे न बैठा बताई, जौन रोग के दवाई अरे न बैठा बताई, तो जनिहा की प्यार हो गई का 7 दिन बताई। ए मास्टर साहब, एक हफ्ता में 7 दिन होला, लड़का 7 दिन बताई, हाथ नीचे कैले भाई तबले भोलुआ भिखार हो गई। गुरु जी एक हफ्ता में 7 दिन एक हफ्ता में 7 दिन होला, जो यही लड़का बता के बैठे सबसे भनुआ खड़ा हो जाए, कल की सरासर गलत था। 7 दिन कहाँ होला रे, कहाँ 7 दिन होला, लड़कों के डाटे 18 साल का पाड़ा हो गल बरियार रहो तो डाटे कहे 7 दिन ना होला। हफ्ते में 2 दिन भोनुआ, सुनील ले थुआ तरी खड़ा हो जा, ए हालत की थुआ खबर खबर करा ला, खड़ा होकर देखा ग्रुपिंग देखा हमारे साफ आवत हमें तो कम में हमको
जयमाल होता है जयमाल पैसा आशीर्वाद देवल लघुता से ही प्रभुता हुआ करती है। अपने से बड़ों का सम्मान करना साक्षात परमात्मा का सम्मान हुआ करता है। कुछ तो गायिका ईसन बिरह माले पंचो भोर कबेला है झूठ ना बोलत है उनकर नाचर ही कुल उनके बदे धन दौलत गायकी है। यहाँ से नाचत वहाँ जाते वहाँ का नाचत यहाँ होते हैं। नचाई में कितना झगड़ा कर जाते रड़ो पुतहो काटी भतरा काटी कबिया काटी कबिया काटी अपने में कहत है सो कबिया काटी रड़ो पुतहो कुल करत है। मैंने शाम को ही संबोधित किया अच्छा है चंचल यादव का एक दंगल भी हम लोगों का बहुत शानदार दंगल 2 तारीख को भी है जौनपुर का सबसे बड़ा गांव उस गांव का नाम है परियावा। परियावा में हमारे चंचल के फिर बिना दंगल हो। अरे भाई गुरु पहलवान न पहुंचे तक के पहुंची देखिए ये पुरस्कार 200 रुपए का हमारा भी सम्मान और हमारे नाम राशि श्री राम जन्म यादव कोपाकड़ी जी का सम्मान की चंचल बहुत बहुत धन्यवाद मालिक सुखी रखे और पंच लोगों का आशीर्वाद लगे कि हम लोगों से भी बड़ा कलाकार आप लोग बना ये हमारी शुभकामना है। फनुआ बताओ था कैसे मास्टर हमरे गोवर्धन भैया पता नहीं कहिया के सुन ले रहा तू हमके यादो ना देखा कहाँ तक जाला हफ्ते में 2 दिन फनुआ बताया आज और काल कह के कमरा मास्टर साहब गुस्सी आई दौड़े दंगल के भाई सब ले भुनुआ बिठार हो गई और ये 51 रुपए का आशीर्वाद कुशल संचालक इस कमेटी के हमारे बड़े कविया श्री दशरथ बिंद जी जो बिंद समाज के गौरव हैं बाप बहुत सभैया के प्रणाम बा मालिक सुखी रखे सकल पंच के प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी जी मजा तो तब आएगा जब भनुआ करके 7 दिन नहीं होला एक हफ्ता में 2 दिन आज और काल के बाद 7 दिन कहाँ होला रे उल्टा सीधा जवाब दो अच्छा तो कह तो कमरों हिला हो आज और काल कह के कमर हिलाया हिलावे लगा कल एक थे आगे एक थे पीछे ये होला 2 दिन ता गौर करिए हैं कल एक थे आगे एक थे पीछे आज और काल 2 दिन होला मास्टर साहब लेके डंडा जोन हो खड़ा हो गया ना कलम मार के पीठ फाड़ दे कल गलत हो तब ना अब ऐड जाए 18 साल को ऐड कल गलत हो तब ना बर्बा तो हम के बताए दे 18 साल के पाड़ा कदला 5 पासन है किला अब मरबा अरे आज और काल इतने आगे इतने पीछे 7 दिन कहाँ होला तर्ज बदल गई बैठ जो तब बैठ गए कहना दूसरी सवाल बच्चों बताओ दूसरी सवाल तर्ज कौन मास्टर अरे मोटर की बत्ती तेज करो ये मोटर वाले मोटर की बत्ती तेज करो ये मोटर वाले
शानदार अध्यक्ष महोदय, हमारे भैया नन्हे यादव लगातार अनवरत इस कमेटी को संजो करके आप अनवरत 10 वर्षों से इस कमेटी का अध्यक्ष पद का ताज आपके सर पे बंधा है। आप क्या बात है, क्या बात है। और आपके कृपा द्वारा कई बार रात भर में कई बार हम कलाकारों का सम्मान किया गया सुंदर पहाड़ी 51 रुपया पुरस्कार से, बहुत बहुत से प्रणाम। अच्छा अध्यक्ष जी 51 रुपया पुरस्कार देना तो शोभा ना दिला, अध्यक्ष जी कम से कम 100 रुपया इनाम दे। अभी 51 रुपया अमन के देते जिससे अमन लौड़ी बौड़ी के भैया ही जा, 100-200 मिलेला। अध्यक्ष के पद का गरिमा होती है, अब प्रधानमंत्री आके कम्बल बांटे गाँव में तो अच्छा न लगी। अरे लॉकडाउन कहाँ है भाई, जरूरी भैया तू बहुत बोलेला, तू कबो सब कबो 200-500 के नीचे तू इनामे नहीं देता अमन के। अमन का अध्यक्ष जी मन के 50 रुपया दे, अच्छा ना लगा। अध्यक्ष जी तुहरे गरिमा की बात करी है, अध्यक्ष पद की गरिमा होती है। खैर इंटरटेनमेंट होते रहे, मौज मस्ती होते रहे, विवाह होते रहे। ये भैया कोनो दुलहिन बैठ गई, ट्रक वाला बैठा ले ले रहा, ट्रक वाला बैठा के लेके जाता हाईवे रोड पर घूंघट में रहल। आ जब घूंघट में रहल ता ड्राइवर जोन ट्रक का ड्राइवर होना गुल वाला रंग रसिया होना, दुलहिन घूंघट में रहल। ओकरे बाद में ऐसे ट्रक जातल तो हारन बजौल, हाँ हाँ जब बजल तो खलासी जोन बा खलासी से कलश के देख 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 कैसन आइटम खड़ी है, तो खलासी हाथ निकाल के ऐसे कैला ऐसे कहर जाके तो दुल्हनिया हाथ ऐसे दहला रुक गई। आ जब रुक गई तो खलासी ओर से झट से बैठ गई। अब खलासी हर ड्राइवर हर दुल्हन के बीच में बैठाल न सुन, जब दुल्हन के बीच में बैठाल न सुन तो खलासी केहनी लगावे डबरो केहनी लगावे दोनों केहनी लगावे। वह दुल्हनिया कहले रहल बाबू का कहले रहल, मोटर की बत्ती तेज करो ए मोटर वाले, सास मोरे बस में नाना दा मोरे बस में, कहा सो जाए के कहा बा कैसे निकलल हो अकेले तब कहे, सास मोरे बस में नाना दा मोरे बस में, जवानी नहीं बस में ए मोटर वाले, खलसिया कहे हमहू जवान न है, देवरवा कहे इन 4 दिन कब बैठल हूँ किला हम जीटी रोड पर, हमहू जवान न है। तो दुलेनिया के जवाब मालूम का रहल, ड्राइवर मोरे बस में खलासी मोरे बस में, अरे ड्राइवर मोरे बस में खलासी मोरे बस में, हाई पानी नहीं बस में ड्राइवर बाबू, ये ड्राइवर बाबू कल ड्राइवर मोरे बस में खलासी मोरे बस में, हाई कानी नहीं बस में ड्राइवर बाबू, जवानी नहीं बस में। कानी का मतलब समझला जा, दुल्हनिया के एक अखिया फूटल एक आंख से रहल, कल एक आंख से काम मार चलत है यह बस में नहीं है। तई कुल धून तरह दे रही पहले के कभी लोगों का सोच रहा, लेकिन आज फूहर भी नहीं है, फूहर भी नहीं है, बंद भी है, आनंद भी है। बात यहाँ है, ये हरिद्वार गुरु जी के लिखल गीत रहा, कब्बा छाछे माछे चढ़त हुआ, समझे तो ना, छाछे माछे लगा था चढ़े, अब ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया था। हम तो आशीर्वाद देख ले दुल्हा दुल्हन के जयमाल पैसे से फूल से देवल गला, यहाँ साक्षात ऐसे ऐसे इतना छाछे माछे ना हो चाहिए।
टुटगल टुटगल गोड़, टुटगल कुल्ही, टुटगल दांत, यही कुल छाछे माछे चढ़े में अभिन आदमी के संतोष नहीं बा। सवाल किए मास्टर साहब, क्या सवाल किए बाबू? अरे सवाल है दूसरा, मास्टर जी बोले कहा दूसरा सवाल हो। नारियल के पेड़ ज्यादातर कहाँ होला? कोई केरल कोई बंगाल बोला, कोई केरल कोई बंगाल बोला, भोलू का हाथ ऊपर मास्टर जी बोले। बड़ा आनंद रहल, कहें बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लड़का बैठ गए। दूसरी सवाल के लिए बच्चों ये बताओ, नारियल का पेड़ अधिक से अधिक कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है नारियल का पेड़ अधिक से अधिक? लड़का खड़ा भी है, गुरुजी केरल में, गुरुजी बंगाल में, कोई कहे राजस्थान में, अधिक से अधिक पाया जाता है नारियल के पेड़ अधिक से अधिक केरल बंगाल में पाया जाता है। आज वही लड़का हाथ नीचे करके बैठा तो तुमसे भनुआ दोनों हाथ उठा के खड़ा हो गल, कल सारा सर गलत, टोटल गलत हो। ये केरल बंगाल में कहाँ मिलेला? तब मास्टर साहब अब गुस्सा में लाल हुआ, कल अयली पारी अब ललकी कलम चल ही वाली है, बताओ तुम बताओ कहाँ होला? कल कछवा बाजारी में। अरे नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ होला बनिया दुकान में। कल एकदम मैं हराम खोर हो गई का, तब से बगलिया लड़का दबा चुपी चुप चुप, बहुत लंबा होला, बहुत लंबा होला, बड़ा लंबा होला, कैसे घुसी रे? कल दिमाग से घुसे भी तब न घुसी चूतिया। अबे चुप, कल अच्छा बोल बोल, कह नारियल का पेड़ होला बलिया दुकान में। अरे मास्टर जी बोल उठे मीठी मुसी कान में, मास्टर जी बोल उठे मीठी मुसी कान में, नारायण तुम सरा मास्टर जी बोले। कलर बनिया की दुकानी में अधिक से अधिक पाया जाता है। मास्टर साहब अब झंडा के दम छड़ी के हंटल के अपने सुधारत हूँ, कलम मारब अब पीठ कर फाटी, कहा ये कोई इंची गलत नहीं है, अगर मरला तू तो तू घरों ने जा पाईबा, हम हूँ ये स्कूल में बनाई बाज। कलम बोल बोल, कैसे बनिया की दुकानी में? कल बनिया की दुकानी में नारियल के पेड़ ऐसे ज्यादा होला, कैसे? एक बनिया की दुकानी में अगर 100 ठे वनस्पति घीव का डब्बा हो, डालडा वाला पहले चला, अब तक फाइन चलत है, जब डालडा घीव चलत हो तब कई बिरा लिखल है। तो कल एक डालडा घीव पर 5 गो 7 गो 6 गो 8 गो पेड़ छपल वाला डब्बा पर, तो बनिया की दुकानी में ही कछवा बाजारी में परचून की दुकानी में अगर 100-200 डब्बा घुसल हो तो कई हजार पेड़ एक दुकानिया में घुसल हो। तो केरल बंगाल के बात कहला, मास्टर साहब कहला कि अब तो के पढ़े नहीं देव हम, अब तोर नाम काट के, आ जब ऐसन हरकत सुनत का कर तेरी है। अरे राम निकाले वो के रोज दर्जा से, ए भैया निकाले वो के रोज दर्जा से, अटपट जवाब सुन के मास्टर जी बुसियाल, निकालो के रोज दर्जा से। अटपट जवाब सुन के मास्टर जी गुस्सियाल, निकाले वो के रोज दर्जा से।
यही विधि करता रोज पढ़ाई, मास्टर साहब थे हैरान, पता लगल कि जितनी साहब आएंगे कल हो ध्यान। अरे मास्टर साहब मन लिए सोच, ये भोनुआ मोर घटाई मान, अरे घर रह जाई अच्छा होई, घर रह जाई अच्छा होई, अब बचने हमरो संयोग से पता लग गल कल डिप्टी साहब आएंगे स्कूल का मुआयना करने के लिए। भनुआ 18 साल का हो गल, कक्षा 5 पास नहीं कर पौले रहल, ओकरे पढ़े के पीरियड में कमजो कबो डिप्टी साहब अइले ना रहल, न कोई नाम ले ले रहल। पता लग गल कि डिप्टी साहब कल ही है, मने मने मास्टर साहब के जब सूचना मिले तो सोचे लग गए कुल लड़का ही है तो स्कूल के इज्जत बच जाए, लेकिन भनुआ आई तो स्कूल के इज्जत चल जाए। तो ऐसा दिमाग लगाए कि काल भनुआ अबे न करे। धीरे से कुल लड़कन के बुलाए के कहे के काम करा सो कि तू सब छुट्टी झोरा बोरा लेके निकल जा, साफ सुथरा कपड़ा करके कल टाइम से ठीक 10 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे, अपना सब कोई कपड़ा उपड़ा साफ करके बढ़िया से तेल पानी लगा के सब लोग आएंगे। लड़का ले लेके झोरा बोरा चल दहलन, और जब चल दहलन तो भोनुआ बैठल हल कल के करे मास्टरवा एक बिलिया कह दिलस का आज से टाइम चेंज हो गल का झोरवा बोरवा लेके जा तो कहाँ रे कहाँ रे। तो एक लड़का कल के काल स्कूल में डिप्टी साहब आवल हो, डिप्टी साहब आई है हम जाती है कपड़ा उपड़ा साफ कर जाई, कुल लड़कन के छुट्टी कह के भोनुआ कथो भोनो कला हाँ मास्टर वही डाहर है कला भोनु कला हाँ मास्टर कल बेटा तू तनि हमारे ऑफिस में आवा, अजय जाथो के ज्यादा तो उसे कुछ विशेष काम हो। जब मास्टर साहब धीरे सा ऑफिस में रोले, भोनुआ एक चक्कर मास्टर का ऑफिस देखे, एक चक्कर कुलन के झोरा भोरा देख कुल गईला सो हमके ऑफिस में बोलावो थो कोनो विशेष मीटिंग करी का। मने मने सोचा था आए के मास्टर साहब स्कूल में ऑफिस में बुलाए के अंदर से दरवाजा बंद करने, तो भोनुआ कहे कि अगर तीर बीर करना तो केहनियों से मारो मारब ही ठीक। लेकिन मास्टर तीर बीर का करे, हाथ जोड़ के खेबात कहना तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल है। अब तो मोबाइल फोन हो गल, फोन रुकाओ, फोन मोबाइल हो गल, कहाँ मिले के हो प्रेमी प्रेमिका से कह देता हेलो हेलो जान, तो कही हाँ जानू कछवा चमोहानी के बगल वाली जो लाइब्रेरी की दुकान है उसी के पास मिलना है, हम आ जाएंगे। कुल बात वही मोबाइल फोन पर हो जाता पंचो, पहले इशारा रहा मालूम है, पहले का रहा प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत रहा कम मिले के हा तो बतावे गौआ के पिछवाड़ चांद जब निकले, गौआ के पिछवाड़ चांदी जब निकली, एक गोरी नदिया के पार चली प्रेमिका कहे कि नदिया में अगर पानी भरल हुई तब, अगर नदी में पानी भरल हुई तब का कर तब बतावे, नदिया में पानी भरल हो रानी, नदिया में पानी भरल हो रानी, नैया पे होई के सवार चली अय्या, yeah।
पानी हुई नहीं न हुई तब का करब। अगर प्रियंका कहते अगर नदिया में नैया ना हुई तब कैसे आई तब बतावे। अरे नदिया मेरे नैया रे नदिया रे नैया रे नदिया नदिया में नैया नहीं होई रानी नदिया में नैया नहीं होई रानी कपड़ा उतार के सारा रहे पहले हम ही ने बुलाओ थे हम ही के ने देखे कह दूसर कोई ना ना चले जाए एक अक्तावा झिंगवा मिल जाए में काम चल जाए। तब ये तर्ज रहल स्कूल ऑफिस में डिप्टी साहब दरवाजा बंद कई के हाथ जोड़ के भनुआ से बड़े विनम्र भाव में कहत हूँ कलिया स्कूलवा भनुआ कल मध्यम बोलत हुआ रोज टाइट बोलत रहा डंडा में तेल पिलावत रहा कि मार के पीठ फाड़ दे। आज कैसन बासी भात पर बैठल माछी ने बोलत हुआ कल बचवा मोर हीरा मोर ला कलिया स्कूलवा में भोनुआ न आईबी परसों आईबे तो लंच खियाईबे हमें याद आवत है हमरे गोवर्धन भैया कछवा चूड़ी वाली गली में जब कार्यक्रम विश्वकर्मा जी करावे सुरेश विश्वकर्मा उस समय शायद बिरहा के हम गौले ले भोरहरिया में अच्छा तो तब का गौलो है यार अच्छा बजा में अरे भाई आप लोग पारखी हैं बिरहा के नहीं पारखी होते तो बिरहा के कहके थे अध्यक्ष यहाँ और आप लोग इतना शानदारी से कार्यक्रम करा रहे हैं। अच्छा मालूम है गवैयन के सोचल बिरहा बिरहा पर बिरहा जब ना होला तब बिरहा दंगल का मतलब बिगड़ जाला। जैसे एक बात आप लोगों के बताओ थे जैसे चंचल शुरू कर लिए हैं एक बंदना एक बीरस का गोली है हम शुरू करते कि बंदना के बीरस के गायित और जब ई पारी आओ तो फिर पुरल मल्क गायित चाहे भुनुआ का गायित कौनों गायित तो ओकर एक मतलब मिलत। अब आप लोग कल नहीं वह गावा वही गावा तो बनल बनावल मुजाज बिगड़ जला। इससे क्षमा प्रार्थी है हम लोग खुद सोचे थे या गवैया गावत हो सुनोइया चल गई ना गांव में बिरहा होता एकर का मतलब एकर मतलब हमन के बिरहा में मजा नहीं है। ता आप लोग देवता हुआ अभी तक बैठ के सुनत हुआ ये हमन का सौभाग्य है। हाथ जोड़ के कथो कि परसों आईबे तो तुके लमचूस दे टाफी दे पहले लेबिन चूस चले लेबिन चूस कलक काहे भोनुआ कहा बोला काहे न आई सोचत हुआ अगर हाजिर हो जाई यह न चक्कर में हुआ हमके बुझत है जन झोरवा बोरवा लेके कुलिन के भेजला है कपड़वा साफ कर देवे दे डिलिप्टी कौन आवत है आई मुआयना करी स्कूल चेक करी तू कॉलर टाइट के लिए रहबा सब लेकन का हाजिरी भराई सब बोली जी हाजिर जी हाजिर जी आज जब भोनु का नाम आई तो गैर हाजिर तो हमरे नाम के आगे ललकी स्याही लग जाई तो हमरो कसम हो हमरे घरे के बुढ़िया भाई से वही का कसम खात है। हाथ जोड़ के भोनुआ मास्टर से कहे भोनुआ कहे बोला काहे न आई सोचत हुआ गैर हाजिर हो जाई तब डिप्टी साहब हमरा से जब तक ना पूछी है डिप्टी साहब हमरा से जब तक ना पूछी है चुपचाप रहबे न कुछ हूँ बताइए
कपड़ा केवाड़ी निकली हम हमू चले साफ सुथरा करी अपन कपड़ा सपड़ा आई जरूर, लेकिन कसम खा थी कबो कसम खेले ना ली है तोहरे इज्जत का सवाल हो तो हमू कसम खा थी। 18 साल का हमारे उम्र होगी, 5 पास नहीं कैली, हो सकल है डिलिप्टिया के चक्कर में हम आ जाए तो हमारो तारन तार हो जाए निकल जाए, तू तो निकले ना देवा कबो काट काट के ही में पाना करवा तू नाम कर कटबा पता नहीं करो जन्म का दुश्मनी हमसे तो से होगी ले। अरे निकाल देता चल जाए तो हमू 6-7 का मुंह देख ली ये 5 के 5 में ही तो आई जरूर, लेकिन हमार कसम बुढ़िया भैंस के जब तक हमार नाम लेके ना डिप्टी पूछिए तब तक हम ना बताए, लेकिन आई जरूर। मास्टर साहब हाय के भाई के कपार बैठ गए कलम मानी ना लगत है काल स्कूल कबर जाई जाई जरूर नौकरी काल खतरे में भाई हमार चल गयल गयल कुल लड़का चल गए अब गयल तो घरवा भुला गल कि डिप्टी आवेला हुआ डिप्टी ना कह डिलिप्टी कह ये कैसन जानवर है जिंदगी में साला कबो नहीं देखली आई ते के काल देखब जरूर अब डिलिप्टी को जानवर समझत हो तनी मोट बुद्धि कह लेकिन असली बात करे गयल दिन भर खेले लगल खेले खाए में आधा दिन बीत गल भुलाए गल कपड़ो ना हिसाब कैले ये भैया जब सूतल हो सूत के जब 11 बजल 12 बजल 1 बजल तो के याद आल के रही सवेरमा जाए के कपड़ा साफ कर लेके साफ होने के लिए हम अब का करी तो ये बाबू मालूम है का भल अपने माई के जगह उठा सुतल सुतल माई रे माई ए माई 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 जगबी रे माई रे हम बोलू माई रे माई कली का या तोरे भल रे का भल कला डिलिप्टी आयो खरे कपड़वा नहीं साफ के लिए खर पत्तू दादा के तिरहिया में जोन मरकिने वाला कुर्तवा पजामा वाला बता देती तो वह पहन लित काल कला ठीक मैं बेटा वो तो कनेक्टर में कई के धैले ऊपर कोठा पर रतिये लगा के सीढ़ी चढ़ गल कोठा पर पहले गांव देहात में कोठा रहे अब तो छत हो चढ़ गल वही पर वही कनेक्टर में डल रहे हाथ 70 क्लीच पड़ल हो कुर्ता पैजामा में मायू के प्रेस थोड़ो करो ले बा वही तो धा दलील निकाल के रतिये पहन के टाइट हो गल जब अब टाइट हो गल तो मालूम है का किले भोर धीरे धीरे जब 3-4 बजल तब सुतबे निकल कल अगर सुत जा तो सुता जी 10 बजे तक तब से डिलिप्टी आके निकल जाई बेकार हो जी मामिला आज सुतबे न करब दुआरे पर से अंगना में से दुआरे पर से अंगना में 3-4 बजल लगल माई की जगह माई रे माई जगती रे मुरुआ बोलती रे जाग रे माई कने जो रोज 10 बजे सूत के उठत लो ये 4 बजे भोरो में कैसे जगाओ था काहे अब्बा जागे ले बचवा कल हम सुतबे कहाँ कली के जागो हम तो जगले है नहाए में ठंडा लगत है माई तेलवा बतौती तो तेल पनिया कह के निकली थम स्कूल के ओर नहाई का भारी लगन सोचत रहल देखा तो पाणा न हो माई कली बेटा कल ही पेराय के सरसों के एक कनेक्टरी तेल आयल हुई रसोईया वाले में हो पहुंचल कनेक्टरी के निकाल लिया लंगना ने कंटरिये पूरा डबव है भरल हल तो सोचा था कि इमन से निकालब कैसे तो मालूम है का किले अंगनवा में पहले देवलिया पर ओटा बने किनरवा किनरवा वही ओटा पर धय के कनेक्टरी अयर हाथ लगौले और मूड़ी से लाते से ओके उझिलत हो ऐसे कंटरी लगे तो का भैया कनेक्टरी में से जब उझिलस तो हचहचाए के एक अजूरी भर गल तो कल अब मन कैसे डालब गिर जाई बस का कल कल कितना दबाई दे होके बस एक अजूरी भरल भरावल तेल सच्चा सरसों वाला मरल चथ दे माथे पर आज पूरा अब तब एक अजूरी जब तेल जाई तो पूरा चपचपाए के भीजे लगल ना तो जब नीचे तक लगल छे मरकिन वाला कुर्ता एकदम रंगीन होए लगल जैसे सरवा रंग फेकल होए पूरा एकदम सोचा था कि कुछ कम लगत है ऐसन करी कि हम ही के देखबे करे वो हमसे पूछबे करे मन लगौले कजरी औरो लगाए के ये कजरी औरो लगाए के मरल धुई अजरी तेल जब पंचो तब मूड़े का तेल एड़ी तक ताप ताप ताप
एकदम चमके लगल लपकत पाए। एक कान्ही पर झोरा और दूसर की कान्ही पर बोरा धैले। जे ही किरण फुटत रहल पूरब से सूरज का ललाई निकलत रहल फटत रहल तब हिम्मत तर्ज लग गई बिरहाम बड़ी कचाकी लाल पर्दा पढ़ल बाबू खाई गईलू अरे खाई गईलू लनड़ायाम पर्दा पढ़ल बाबू खाई गईलू लनड़ायाम दाम कहिया ले देबू लगेला जो बनवा पे घूम दान कहिया ले देबू। स्वर्गीय राम देव गुरु को लेलन देख लेला ना अब या उनके फोटो में देख ले रही फोटो में तब तक बजेबे तू है तब तक बजाई कहने बजाई फोटो में देख ले तो आशीर्वाद बनल है ना तो ही जे के फोटो में देखलबा त ना कुछ करबा अरे फोटो में का का लड़कन के दबेरली मत रामदेव गुरु गावे नंदलाल हमारी मजनू का यार प्यार सिखलाई दे गोरी तो होई गईले जब कि बिहान शान से भोलू आया यो गेट बंद रहल लोटा का पानी लेके मास्टर साहब अभी शौच के लिए जात हुआ निपटे बदे कुल्ला करे बदे आ तब से वही गेटे में से झांकत है गलत का मास्टर मर्दवा भी मैदान हो जात हुआ हम आए गईली आ मास्टर साहब जब भोनुआ का हाल देखने पंचो तब तक लोटा का पानी हाथे के छूट गए उनकर निपटान सटक गई धाई के कपार बैठ गए कल स्कूल तक कबर अला देखत है कथक गिटवा खोलबा की डाकी हड़कौ तो कथक गिटवा खोलबा की चढ़ाबा तुरंत डाक जा हो गईला जब कि बिहान शान से भोनुआ आयल तब मास्टर साहब गुरु जी का निकल परान शान से भोनुआ आयल मैदान सटक गई लोटा का पानी गिर गल धाई के कपारे हाथ बैठ गए बीच फील्ड में तब से एक चक्कर फेंकल है झोरा और एक चक्कर फेंकल है बोरा चढ़ के गेटे पर से डांक गए कल मर्दवा की गेट खोले के तो बैठल हुआ तू वहां यहां से 9-10 बजे वहां के चिंता कोनो बा स्कूल में झाड़ू लगावे के ईटा पत्थर कुल कुल आवे के है तो के पता है ना ये भैया बारे गोवर्धन बाबू इस कमेटी के सचिव में होदय बड़े कुशल प्रिय व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व के बड़े धनी हैं आप सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपए का आशीर्वाद चरणन में आपके नमन प्रणाम हमार बड़का भैया श्री बोर्डर यादव बजहां के धरती से सादर 50 रुपया प्रदान के लेने बोर्डर भैया के हमारे बहुत बहुत से प्रणाम सकल पंच के प्रणाम बा पंचो बड़ा आनंद रहल अब टमाटर साहब बैठल हुआ उनकर कुल हक्का बक्का बनाए गल अभी नहाए एक बार लिखते ब्रश करे एक बार मंजन करे के हो कुल करे के बाद लेकिन कुल भुलाए गिन बॉर्डर भैया बैठा यार कहाँ जा थो जा आवाजा अब भाई बिरा में आनंद तब से भैंस दो के तब आई गल ये भैया तनी गौर करी है आज जोन बा बोरुआ झाड़ू खोजत हो कहो मास्टर झड़ुआ के रख ले हुआ झाड़ू साड़ू लगाई हम अब वहन 10 बजे यहाँ सो तब न झाड़ू फाड़ू लगे हैं सोन वहन के तो बोले लेवा कि कपड़ा साफ सुथरा कही के आवा सोन हम नहैली है इतना तगड़ा तेल लगौली है हमरे ने कोनो तेलवे लगा के नहीं है सोन मास्टर साहब जब ओकर तेल के पोजीशन देखल
मरकीन वाला कुर्ता हुई तेल में लफनाए गल एकदम सट गल है, जिसे आदमी पानी गिरा दिल हो भीग के सटल हो, वो तेल से सटल हल पूरा एकदम। कल जाए तो मत बतावा झाड़ू है, ये बोरवा हो ना, हम यही से झाड़ू मार देते हैं। बोरा का पकड़ ले के टोका लगल झाड़े झर मारे, जितनी धूर उड़े कुल भनुआ के हुई कुर्ता पर बैठे तेल वाले पर, आधा धूर उहर उड़े आधा इहर बैठे, तनके में लगे सर्व मुगल सराय के चंदासी मंडी में से निकलत है। पूरा एकदम रंगीन हो गल बैठ गिल धूर। ओकरे बाद का भल मास्टर, धीरे धीरे लड़का आवे लगलन, मास्टर साहब समझावे लगल कि जितना तेज लड़का हुए सबकर सीट आगे लगाओ, अब भनुआ की सीट सबसे पीछे लगे, ताकि यहाँ से डिप्टी साहब कोनो सवाल कोनो प्रश्न करें तो उके सुनाए न पावे, न सुनाई न उल्टा सीधा जवाब दे ही। का भल बाबू, अरे भनुआ की सीट सबसे पीछे लागल भाई, ठीक कर बजे डिप्टी साहब गई ले आई। राइट 11 बजे डिप्टी साहब आ गिलन, मास्टर मस्टराइन पूरा जितना स्कूल का स्टाफ हो सब लोग डिप्टी साहब के जलपान वगैरह करवले, जलपान करा करके क्लास मिले गए लोग। आज जब क्लास मिल गए तो भनुआ का कारीगरी देखा जा, भनुआ समझ गल हल, ओकर सीट जब सबसे पीछे लगल हल तो सोच गल कि लगत है कि हमके कमजोर समझ के एकदम पीछे कैले हो सुन, कि यहाँ से ई बोली तो वहाँ तक आवाज न जाई, न हम सुनब न उल्टा सीधा जवाब दे। भनुआ लगल स्कूली के फील्ड में कई अद्धा टुकड़ा ईटा कुल जोड़ आवे, जहाँ ओकर ब्रेंच रहल वही ब्रेंच के नीचे आधा अद्धा टुकड़ा ईटा लिया लिया के कुल जोरिया के और डिप्टी के कुर्सी के लेबिल में कह दिल, डिप्टी के कुर्सी के लेबिल में कह के वही पापन ब्रेंच टेबल धाय के आ चढ़ के चौचक ठाट से बैठल एकदम उनके बराबरी में, चौचक ऐसे बैठल हो वही पर मार के आसन कहे कि देखी है काहे ना, अब बोली है तो सुनब काहे ना। कुल नीचे हुआ सो हम डिप्टी के लेबिल में ही, तो पहले हमके देखिए पहले हमसे पूछी है, बैठल है चौचक बगल में मास्टर मस्टराइन सारे स्टाफ के लोग हैं, सब बच्चे बीच में हैं। आ तब से डिप्टी साहब जब ही एंट्री कैले हैं तो कुल लड़का खड़ा होकर के अभिवादन की अभिनंदन की, सारे बच्चे खड़े हुए आ खड़ा होकर अभिनंदन के, भनुआ बैठल बैठल के था जय राम जी की, हम हो ऐले ही खड़ा हो तो इटवा नीचे गिर जाई भसक के ही से जोरियोले बैठल है, हमरो प्रणाम स्वीकार कर लिया जय राम जी की डिप्टी साहेब। मास्टर साहब डिप्टी के कुर्सी के बगल में खड़ा होके कथुए उस पे ध्यान मत दीजिएगा सर, उसके दिमाग के का कीटा कम है। भनुआ सुनत है कि हमारा शिकायत बतियाओ था कल तेरी आस्टर मास्टर की ऐसी की तैसी, 18 साल तक पाड़ा बनल हुआ आज हम रेलब तो के। सारे बच्चों बैठ जाओ लगल हाजिरी होवे। चंचल कुमारी जी सर हाजिर, चिन्मुन यादव जी सर हाजिर, गोवर्धन बिंद जी सर हाजिर, नन्हे यादव जी सर हाजिर, नंदलाल बाबू जी सर हाजिर, लाल व्रत बाबू जी सर हाजिर। तब से वही बीच में भनुआ का नाम आएगा, भनु कल जयराम जी की आयल है कई बेर कहे कल, अच्छा अच्छा आप भनु आप ही हैं कल, हो तो हूँ के समझाओ पड़ा था मास्टर भाई नियर एक समझाओ तुम के 18 वर्ष के बना दिले तो के कैसे हम समझाई। कल ठीक है बच्चों बैठ जाओ सब बैठल यू पर है बैठल देह तोरा था कि कैसो हमसे पूछे देह तोरा था। तब से
पहली सवाल डिप्टी साहब के लिए, बच्चों ये बताओ तीन में से दो चला गया तो कितना बचा, तीन में से दो चला गया तो कितना बचा। सब लड़का मुड़ी नीचे कर दे, सब लड़का मुड़ी नीचे कर ले, तीन में से दो चला गया तो कितना बचा। कौन लड़का नीचे मुड़ी के ले हुआ, भुनुआ देह तोड़े लगल, देह तोड़ा था कबो हाथ ऐसे उठावा बैठल है, ऐसे बैठल है देह ऐसे तोड़े कबो ऐसे ऐसे उठावा। मास्टर मना के ले हुआ, कहे कि हम तक कसम खेले ही, तो डिप्टी साहब समझ गए कि कुल लड़का मुड़ी नीचे के लिए मुड़ी ऊपर उठा के दे थोड़ा था ऐसे ऐसे कला। क्यों डिप्टी कहो क्यों भोनु कला, हाँ कला तुमको आ रहा है, मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे दिमाग में है। कला कसम खैली ही भैंस का बुढ़िया, हमार नौवा तला के लेके तू कहा कि भोनु बताओ, कला भोनु बताओ, कला एहन के नहु आवत, एहन के मास्टरों के नहु आवत। है जन मास्टराई नहीं ना, ये नहु के नहु आवत। मास्टराइन कहा दोगलवा हमहू के लपेटत है आज, रोज तो मास्टरवा के लपेटत ला, आज हमहू के लपेटत है, कथा ये मास्टराइनों को नहीं आवत है, मास्टरों को नहु आवत है, हमही खाली आवत है। एहन कबो पढ़ाईबे ना के ला, तो एहन के आई कैसे, वो तो हम ज्ञान प्रवाह में है ना, 18 साल हो गल पांचे पास नहीं करे दिलसी, यही में मास्टराइनो है। कल अच्छा बताओ बताओ, तीन में से दो चला गया तो कितना बचा। तब भोनुआ कल तुहार सवलिय गलत है, कल तू जो सवाल पूछले हुआ ये गलत है, चुतिया मत बनावा। तीन में से दो कबो जेबे न करी, जब जाए तब एक कह जाए। कहना डिप्टी साहब की कैसा लड़का है, मास्टर साहब के ओर तकला, मास्टर साहब कहना ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, उसके दिमाग का ईटा ढील है। तो भोनुआ का था पंचायत मत करा, पंचायत मत करा, हम जो कहती ओके सुना, तीन में से दो कबो जेबे न करी, जब जाई तब एक कह जाए, न विश्वास हो तो मास्टराइन से पूछ, न विश्वास हो तो मास्टराइन से पूछ ला ना, कि जाला तो दू ठे जाला कि एक कह जाला, ये खुद ने बता दी है। तब से मास्टराइन मुलनी ओढ़नी से मुंह है आपन, आई हो माई दोगलवा हमके लपेटा था, ये तो बड़ी भक्सावन बोला था, मुंह लपेट के घूम गई दक्षिण उत्तर की ओरी। कल ओहन मत घुमा, ओहन मत घुमा, बतावा इनके कि जब जाला तब एक जाला, दूठे नीचे में रहला बहर में रहला, जब जाई तब एक जाई, तीन में से दू जेबे न करी, जब जाई तब एक जाए। अब मास्टराइन तो धसल जाती धरती में सरवा, हम ही के दोगलवा लपेटत हो, हम एक कबो पढ़ाईबो ना करी, हम ही के लपेटत हो। डिप्टी साहब कहें ठीक है, मैं मान गया मेरी सवाल गलत है, दो नहीं जाएगा, जब जाएगा एक ही जाएगा, न मास्टराइन से पूछूंगा न मास्टर से पूछूंगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम सिद्ध करो, तुम्हें सिद्ध करो कि दो नहीं जाएगा, जब जाएगा तो एक जाएगा, इसका मतलब क्या है, सिद्ध करो। कल हाँ अभी से लाइन पहला, अभी से लाइन पहला तो सिद्ध कर देती, लेकिन ओके माना, माने के परी। कल ठीक है मानूंगा, कल देखा लोक तीन थे, तीन लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और ई मृत्यु लोक। हमन मृत्यु लोक में ही जा, ऊपर आकाश लोक, नीचे पाताल लोक, हम लोग मृत्यु लोक में ही जा, वो अपने जगह पर स्थिर हो, नीचे वाला अपने जगह पर स्थिर हो, यह बीचवा वाला में से आवागमन है, ये ही मिस्टर ने एक का नया वाला जाला, और दूठे तो अपने जगह ही पर झूलल हो, एक नीचे झूलत है, के ऊपर झूलत हो, आवागमन ही बिचवा वाले में हो। कल साबस बेटा, तो
छाया बाद में चल रहा है रे, तो आध्यात्मिक बात कर रहा है। कल आध्यात्मिक नहीं, हम 18 साल का पढ़ा ही 5 से 6 महीना जा पौली, यही का दर्द हो। आज कुल बताई नहीं कबारब हम इनके मस्टराइन तनि सा सांस लेने के लिए। ओ ये अस्पताल की जोड़ा था, हम तो सोचे कि दूसरा है जो जगह ही हो, हम तो सोचे दूसरा जगह दो गला वाला पीटा था, लेकिन अस्पताल के जोड़ा था। मास्टर साहब कल बच्चों दूसरी सवाल कैसे पूछे तो दूसरी सवाल या डिप्टी साहेब पूछ दे हले भैया स्थान पाद ले नाम बदल जाए केहू के नाथ ऊपर राके उठल बाटे भैया धीरे धीरे भोनू दोनों हाथवे हो उठाए। बच्चों ये बताओ पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्थान बदलने पे नाम बदल जाता है। कुल लड़का फिर खामोश होगी ना, सब चुप। मान लो ये ढोल है, मंच पे है तो ढोल है, अब मंच से नीचे ढोल उतार दी जाएगी तो इसका नाम बदल जाएगा, रहेगी ढोल है। हारमोनियम मंच पे तो हारमोनियम है, हारमोनियम को नीचे उतार देंगे तो रहेगा हारमोनियम, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। ये छड़ी है, ये छड़ी है हमारे हाथ में है तो छड़ी है, जमीन पर रख देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, रहेगी छड़ी। कोई लड़का खामोश, कोई लड़का खामोश, भनुआ लगल देह तोड़े, देह तोड़ थक कथल ले हली की बतौली की। कल बोलो याद है बेटा, आ रहा है कल, एकदम आ रहा है, तू खाली आदेश तो करा। कल ठीक है बेटा, बोलो का बतौले बाबू दत्त। धीरे धीरे भोनू तब हाथवा उठाए बार हुए बार बोला भोनू अचलाए कल बार 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 कल ही बार हो कल सिद्ध करो कैसे बार सिद्ध करो तब न मानेंगे कैसे बार है स्थान बदले के नाम बदल जाएगा कल हाँ तब कहे सिरवा का बार देखा पर कहला ओकरे जे नीचे भपरौनी बार हो सर्प हो तो बार हो तनी सनी ऊंचे उतर जब तो भाव है जो लीलरवा पर हो अखिया को परा ये भाव है इहो बार है ए बार में कोन अंतर ना हो लेकिन स्थान बदल गल तो भाव हो गल आ अखिया के पलकिया पर जो बरवा हो एक लोग बरौनी कहे ना ये बरौनी है ए बार में कोनो अंतर ना है स्थान बदलती भाव आ आँखी के पलक पर बरौनी इहो बारह यो बारह स्थान बदलत भाव आ बरौनी उठावा के ऊपर के नाम बाटे मोछिया ओकरे जे नीचा माई बढ़िया कहा मोच नहीं आई लल बाबू रेख जमत रहा हल्का हल्का उठल लगा लाइटे की कल हाई देखा मोच तनी सा स्थान बदल लेकर नाम मोच हो गल आइट के कहे मर्दन की है शान है मोच आइट के आओ इहो बारह है ए बार में कोनो अंतर ना लेकिन एकर नाम मोच है आ तनी सोकरे निचमाई बार राजा तही दाढ़ी एके लोग कहे ना नूर बा
ऐसे लगल कहे ई दाढ़ी ए बार में कौनो अंतर ना है बारह, लेकिन स्थान बदल गल ते दाढ़ी ई मोच। मास्टर साहब मने मने सोचे थे रास्ता बड़ा गलत पकड़ ले है, ऊपर से क्रमशः नीचे आओ था, नीचे कहाँ तक जाई कोनो सही नहीं है, एके रोके के होई हमके। तो डिप्टी के कुर्सी के पीछे होके मास्टर साहब अपन छड़ी चमकाओ तो भुनुआ हो रही, खड़ा होके भुनुआ गलत रास्ता, गलत रास्ता, बंद कर, बंद। भुनुआ कलर लहली की तेरी आस्तर मात। ता डिप्टी साहब कल क्या हुआ, क्या हुआ? कल आपके पीछे मास्टर की नीयत खराब हो रही है, हमारा रास्ता बंद करवा रहा है। आपके पीछे से मास्टर जो है हमारा रास्ता बंद करवा रहा है, छड़ी चमका रहा है। 18 साल तक कपाड़ा बनाए के आज भी छड़ी चमका रहा है, रास्ता जब सही पकड़ा हूँ। कल बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दाढ़ी तक अले है। ओकरे बाद सर से हाथ खींचल से नाभी को, मालूम है का कहे मास्टर? तब तक से मास्टर जी बोले चिल्लाए रे छतिया पर पीट के खींच के सट से ही नाभि पर लिया, यही नाभि पर लिया के जो ही रगड़ दुबार कल यो बारह हो छतिया पर पिटवा पर ए बार में, ए बार में कोनो अंतर ना, लेकिन लेके लोग रोमा कहें ना, रोमा छाती के बार ये हमें रगड़ दो। तब से तब मास्टर जी बाबू इतना तो चिल्ले ले, उनका लड़का मर गल हुई तब बोन उतना चिल्लाल हुई, इतना तगड़ा चिल्ले धाय से दोनों हाथ ऊपर कहके। अब कल भोनो भोनुआ कहा थे वहां रुक गल चिलैला, जब इतना तेज मास्टर तो भोनुआ अब न आगे बढ़त है न पीछे बढ़त, होकर हाथ ये जन रुकल हो। अब मास्टर चिल्लाए के मालूम है का कहना, कहा वो करे भोनुआ कलक के करे हाथ जुले हुए मास्टर, ऐसे ऐसे हाथ जुले हुए। आप भुनुआ का हाथ यहाँ रुकल है यही नाभि पर, कहा कि का कले बाबू कहा लोग करे नीचे वाला नौवा दिन बताए भोनुआ हमारी चल जाई नौकरिया बताए भोनुआ। अभी पर भोनू का हाथ रुकल रहा, कहना वो करे नीचे वाला नौवा दिन बताए भोनुआ हमारी चल जाई नौकरिया बचाए भोनुआ। भोनुआ कल ले है लीकी। डिप्टी साहब कल बेटा आगे सिद्ध करो, आगे सिद्ध करो, आगे सिद्ध करो, आगे चलो, आगे बढ़ो, सिद्ध करो। भोनुआ कल ले है लीकी, तेरी अस्टर मस्टर की ऐसी की तैसी। बहुत नाम काट रहा था, ज्ञान की बातें नहीं जानकारी, केवल नाम काटने की जानकारी है। पांच में से एक में, एक में से चार में ही दौड़ा रहा था। डिप्टी साहब कहले बेटा आगे सिद्ध करो, तो आगे सिद्ध का कहल भोनू बोल उठा रेशम पर्दा के आड़ में रेशम कल की नीचे एक बार ओकर लोग तुलना रेशम से देवल। असली नाम नहीं बताओ, कल संकेत कहले कलर रेशम से तुलना कर दिया ला। बहुत उमन गुरची रहे ऐठन रहे, हमेशा ऐठन दार रहे ला। लोग कहले के सोच कर देबा समझे, तो उमन कंघी उंगी नहीं लगे, बहुत ऐठन उमन रहे ला, बहुत ऐठन रही कंघी उंगी मन कबो न हुई ना, सिंपल उम्पुल धोई ऐठन दार बार हो।
ऐठन दार बार है लेकिन रेशम से तुलना कर दिया ले का कहले भोनु बोले उठा रेशम आ पर्दा के आड़ में छोटा मास्टर साहब नौकरी गई चूल्हे भार में हाथ जोड़े साहब के मनाए भोनुआ हमारी चल जाए नौकरिया बचाए भोनुआ मास्टर साहब कल नौकरी तो चूल्हे भाड़ भी चल गई बाल बच्चा कुल खेले बला मर जा ले बीतल सहजय में यही बाप हमारे गोवर्धन भैया कमेटी के सचिव महोदय सादर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कैलन है और बड़ा पारखी है ये विराह के बड़ा दिन पहले बजहा में और कछवा में आप गोवले हैं बहुत दिन के बाद और निश्चित रूप से आज हमें समझ में आया कि आप लोग विराह का पारखी हुआ विराह का यह बागपत है जहाँ आप लोग इतना कदरदान है बिरहा के ये भैया डिप्टी साहब कलन की आज से इस स्कूल का भोनू जो है मानिस्टर रहेगा आज से इस कॉलेज स्कूल का भोनू छात्र जो है मानिस्टर रहेगा तो समझ गल कि अब हम मास्टर से भी ऊपर हो गए अब समझ जब मानिस्टर कहल है क्या से तुम्हें हम मानिस्टर बना रहे हैं तो समझ गल कि मॉनिटर हम बन गई एक मतलब मास्टर के जौन चीज नहीं आवतल ओके हम बतौली तो हम मास्टर से भी ऊंचा हो गई झोरा लहला बोरा लहला निकल गल बिगर पूछल है अब पहुंचल तो प्रधान जी जय राम जी की प्रधान जी जय राम गोवर्धन भैया जय राम नन्हे भैया जय राम सबका जयकारी गोड़ धरत निकल कल का बात है भाई का बात है कुल तेल लगल है पर धूर बैठल है चर चर इंची कहाँ से कुल कल न जनबाना यह कुल लगा के ताजा मास्टरवा सुपर हो गई ली असली नहा धो के गली तुमके कोई पूछबे न करत स्कूल के इज्जत बचा ले तो स्कूल ये कबर के चल गेलो बरैनी चाहे कछवा ओहर ये गांव के स्कूल हम ही बचौली है अब पढ़े न जाए 10-12 बजे जाए तो स्कूल के पीछे फील्ड में बैठे बिहाया का डंडा खेले ले रहा है अब समझे कि मास्टर से ऊंचा है तो हमारी हुकूमत चली लड़की जाए कभी काल के लघु शंका के लिए तो डांटा है कहाँ जाता है मारूंगी ठीक हो जाएगा नहीं जानता है कि यहाँ मास्टर लड़कियन के कहे नहीं जानता है यहाँ मास्टर बैठी है कबो काल के मास्टर इधर उधर हो तो डांटा है कहाँ घूम रहा है तू यहाँ मास्टर बैठा है तुमसे ऊंचा पद ले करके और तू घूम रहा है चलो पढ़ाओ जानकारी की बात पढ़ाना नहीं नाम काट के तुमको हटा देंगे इस विद्यालय से तो एकर नाम रहल ज्ञान प्रवाह कभी कभी छोटे बच्चों में बड़ा ऊंचा बुद्धि होला बाबू और ऊंचे लोगन में कभी कभी बड़ी नीची बुद्धि हो जाले तो अपने से छोट के कबो छोट ना समझे ये विराह संकेत करता है कि अपने से छोट के कबो ना छोट समझे क्योंकि हर प्राणी में अलग अलग गुण होता है तो आखिर में ई रहा रे कमेटी के भैया लोग उनका फरमाइश आखिरी में कहना कैसे मास्टर गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबोधन की बानी कथन करेंगे भैरीदार संगम्बिका जी सैलानी निकाले वो के रोज दर्जा से कलम पे हरी द्राद के साथ रस को डाल निकाले वो के रोज दर्जा से वो अरुस गई है ना अब बंद हुई आई मार से बजा दे आई बजा दे तो नहीं और परेशान हो कब बैक